गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कक्षा 6 विषय हिंदी। हम यहाँ पर सातवां पाठ पढ़ गए थे, सातवां उलझन मुझे तो जाने का, वो हम पढ़ गए। अब हम आगे लेते हैं आठवां पाठ, राजा का हिस्सा। तो देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ एक कहानी है। क्या है? कहानी है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। क्या है कि राजा, देखो राजा होता है वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए कार्य करने में तत्पर रहता है। तो हम यहाँ पर पाठ की शुरुआत करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज की बात बताई गई है यहाँ पे कि राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। कि यहाँ राजा भोज है वो क्या करते थे कि राजा वो अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा का हालचाल पूछते थे और उसे यथासंभव उससे दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करते हैं। कि एक दिन राजा अपनी रानी के साथ बैठकर वो राज्य का भ्रमण करते रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोता रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। क्या देखा उसने कि वह बड़े आगे निकल गए और एक खेत में देखा कि एक खेत में एक किसान है, वह खेत में क्या कर रहा है, किसान हल जोता रहा है। और उसने देखा कि एक बैल बंधी हुई है और एक अपनी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यहाँ यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? कि आप क्या अत्याचार कर रहे हो? भली स्त्री को किसी को हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं क्या खाऊंगा? कहकर किसान पुनः अपने कार्यों में लग गया कि मेरा एक बैल क्या हुआ है, क्योंकि वो मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उसे क्या पता था कि उसकी बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा कि किसान क्या कर रहा है, अपने काम करने में बड़ा तत्पर है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। कि क्या हुआ कि आप ये स्त्री को हल जुटा रहे हो तो वो ये कार्य करते करते थक जाएगी और दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। किसान बोल रहा है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला कि इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा ना, तुम बैल ला दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास बेच दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुटूंगा। राजा ने कहा, अच्छा ऐसा करो। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया कि क्या हुआ कि जो किसान की पत्नी थी वो हल जुता रही थी, तो वह रानी के पास गई और रानी को सब बात बता दी। तो रानी ने क्या कहा कि तुम्हारा बैल बहुत कमजोर होगा, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी।
राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से का राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, जितने में राजा भोज ने बेल का काम किया था हल में जुट गए थे, वहां पर क्या हुआ, मोती उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास आ पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा इकरार कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, मेरा कोई हक नहीं है। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम ले ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। देखो यह कहानी में क्या बताया गया है कि यह कहानी में बताया गया है कि हम दूसरों की मदद करें। हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी भी अपने आप मदद कर देता है। हाँ, यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण विभाग का पठन करेंगे। तब तक आप एक बार पठन करना।